हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं सब? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं पवन, आप देख रहे हैं इन्फो टेक न्यूज़ लाइव। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में करने वाला हूं एक बॉक्स है जिसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो जी हां गाइस, इस वीडियो में जो है रियलमी वायरलेस नेक बैंड आया हुआ है और इसकी जो प्राइस है गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं 1700 पड़ा है, 1700 पड़ा है, ठीक है, 1700 के आसपास पड़ा है। ऐसे देखा जाए तो जो ऑफर लगी हुई थी, ऑफर क्या लगी हुई थी, जो रेट था वो 1699 का था, ठीक है। तो देखा जाए तो 1700 रुपये ही पड़ेगी क्या, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो में करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। बाकी रहेगा इस रिव्यूज़ की बात, तो रिव्यूज़ मैं इसमें कंप्लीट नहीं दे पाऊँगा क्योंकि रिव्यूज़ का एक इसका मैं सोच रहा हूँ अलग से वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो रिव्यूज इसके बाद आएगा। तो इस वाली वीडियो, इस वाले बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में क्या है, ठीक है। तो देखते हैं इस बॉक्स में कैसा ईयरबड्स नेक बैंड है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा गाइस, ये जो वीडियो है वो काफी दिनों बाद आ रही है, तो इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब गाइस जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद ये फिलहाल एक अनबॉक्सिंग का वीडियो लेकर आया हूँ हमारे चैनल पे। करीब लगता है कि एक मंथ हो गया होंगे गाइस वीडियो नहीं आ रही है, तो क्या करें, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा और इधर गर्मी ज़्यादा हो रही थी जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही थी। तो अब गाइस वीडियोज़, मौसम थोड़ा सा अच्छा किया है तो वीडियोस अब आएगी और नए नए टॉपिक के साथ आएगी, तो बने रहिए वीडियो में और इस अनबॉक्सिंग का पूरा जरूर देखिएगा गाइस अनबॉक्सिंग। चलिए हम शुरू करते हैं, तो चलिए यहाँ पे रखते हैं और साथ में हम करते हैं अनबॉक्सिंग। तो वैसे तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैं फ्लिपकार्ट से इसको ऑर्डर किया था, आप देख रहे होंगे यहाँ पे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट से मैंने जब इसको ऑर्डर किया था तो ये कवर आया और साथ ही साथ में ये कवर ओपन हुआ आया नहीं गाइस, इसे ओपन किया गया हमारे सामने, आंखों के सामने इसे ओपन किया गया, ठीक है। थोड़ा सा इसे डाउन कर दिया, इसे ओपन किया गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं समझेगा कि ये बॉक्स खुला हुआ था, तो खुला हुआ था नहीं, इसे खोला गया मेरे ही सामने क्योंकि ओपन बॉक्स डिलीवरी था, ठीक है। आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप लोग कभी ओपन बॉक्स डिलीवरी आपके सामने होता है तो आप कभी भी पहले ओटीपी शेयर ना कीजिएगा, ठीक है। ओटीपी शेयर तभी कीजिएगा जब इम्पोर्टेंट बात है, तो थोड़ा सा माइक के सामने बोलता हूँ। देखिए मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आप ओपन बॉक्स डिलीवरी कोई भी प्रोडक्ट रखते हैं, गैजेट्स में अधिकतर गैजेट्स में ही आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी मिलता है, ठीक है। तो जब भी आप ओपन बॉक्स डिलीवरी रखते हैं तो आप ओटीपी जो होता है वो गैस आप पहले आप अपना प्रोडक्ट अच्छे से जांच पड़ताल लीजिएगा, उसके बाद ही क्या होगा आप अपना ओटीपी शेयर कीजिएगा, ठीक है गैस। ओटीपी शेयर करने का मतलब हो गया कि आपने प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से प्राप्त कर लिया है, तो उस स्थिति में फिर आपका वो जो रिटर्न पॉलिसी है वो वहाँ पे मान्य नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए रिप्लेसमेंट, अगर यहाँ पे ये प्रोडक्ट मैंने मंगाया और ओटीपी मैंने पहले ही शेयर कर दिया, उसके बाद वहाँ पे देख पड़ताल करने के बाद देखा गया तो हमारे सपोज दैट उसमें कुछ फॉल्ट निकल गया, तो उस स्थिति में आपको वहाँ पे रिप्लेसमेंट का कोई चांसेस नहीं बनेगा, ठीक है। वैसे तो ये रियल मी बड्स जो है वो रिप्लेसमेंट ही देता है, आपको रिफंड नहीं करेगा, ठीक है, रिफंड नहीं करेगा, रिप्लेसमेंट ही करेगा अगर कंपनी फ्लिपकार्ट वाली लेती है तो ऑन द स्पॉट रिप्लेस करके देगा, चेंज नहीं करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है, सॉरी रिफंड नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या मिला है और किस टाइप का क्या है जो, तो बने रहिए यहीं पर, दिखाते हैं आपको सामने ही काफ़ी क्लोज में। Hmm.
गैस इसमें आप लोग हमें एक चीज बताइएगा, इसमें एमआरपी को इतना हाई लेवल पे क्यों लिखते हैं, 299 रुपीज, 999 रुपीज, पता नहीं गैस। आप ही लोग के सामने यहाँ पे दिख रहा है ये कुछ इस टाइप का। और गैस इसके पीछे देखा जाए तो इसके पीछे मैनुअल कुछ रहेगा, उसके बाद ये इसके डब्बा में कुछ नहीं, इसको साइड रखते हैं। एयर टिप है, उसके बाद यहाँ पे मैनुअल कुछ गाइड है, तो ये तो पढ़ने के लिए है और ये एक्स्ट्रा रबर उसके, ठीक है। तो हमें तो ये सब काम के नहीं उतनी, लेकिन ये हमारी जरूर काम की है, इसे हम निकालते हैं बाहर। लेकिन गैस एक चीज आप लोग बताइएगा, जब आप कोई मोबाइल गैजेट्स वगैरह लेते हैं तो आपसे तो एक तो पावर छीन ली गई बॉक्स को ओपन करने की, क्योंकि वो जो फील होता था वो भी अब डिलीवरी बॉय के हाथ में चला गया। क्या बोलते हैं, सही बोल रहे हैं ना, क्योंकि वही तो एक फील था जो लेने के बाद फील करते थे। अब तो आईफोन भी लोग खोल नहीं पाते हैं क्योंकि डिलीवरी बॉय तो देगा नहीं, डिलीवरी बॉय आपको देगा नहीं हाथ में जब तक वो पूरी तरह से जांच पड़ताल ना कर ले, पूरी तरह से वेरीफाई ना कर ले क्योंकि वो जो प्रोडक्ट आपने मंगाया था सेम प्रोडक्ट है या नहीं है, सारा चीज जब तक वो वेरीफाई नहीं करता, वेरीफाई करने के बाद आपको कहता है वेरीफाई कीजिए, उसके बाद वो डन करता है, ठीक है। लेकिन पहले वो ही करता है वेरीफाई, बॉक्स भी ओपन वही करता है, फिर क्या फायदा इतने महंगा फोन लेने के, है ना। इससे अच्छा शोरूम जाइए गाइस, शोरूम पे अपना चीज फाड़ कीजिए। तो ये कुछ इस तरीके का है और इसकी जो गाइस, गैस मैं एक काम करता हूँ, इसकी जो रिव्यू है वो मैं एक से दो दिन में ही रिकॉर्ड कर लूंगा, ठीक है। और बैटरी बैकअप भी चेक कर लेता हूँ, अभी सबसे पहले मैं जाकर इसे फुल करता हूँ, क्योंकि फुल तो नहीं होगा, ऑब्वियसली फुल नहीं होगा, तो इसकी बैटरी बैकअप मैं फुल कर लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कितने देर कितने घंटे चलती है, जो भी चलेगी जितने देर चलेगी मैं आप लोग को इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी रिव्यूज का वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। ठीक है, तो होप सो आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सामने यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप लोग देखेंगे, ठीक है गाइस। फ्रेंड्स वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा, जो चैनल पे नए हैं ना चैनल को जो देख रहे हैं हमारी इस वीडियो को तो वो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और साथ में इस वीडियो के लिए आप कमेंट कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि रिव्यूज मैं अपने स्तर से जैसा भी दूंगा आप लोगों को समझ में आना चाहिए, इस लाइक दूंगा जरूर, ठीक है। तो होप सो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।